वो सभी यात्रीगण ध्यान दें जो अक्सर विमान से सफर करते हैं। वैसे ये सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि कैसे महंगे टिकट और सर्च प्रोसेसिंग के नाम पर एयरलाइंस कंपनियां इनकी जेब काट रही हैं। सरकार की ओर से इस पर कई बार सख्ती भी की गई है, पर हालात वैसे ही हैं। लेकिन आज एयरलाइन कंपनियों के इस फ्रॉड पर हम सत्ता में आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि बार बार चेक करने से फ्लाइट का किराया बढ़ जाता है? यानी अगर किसी फ्लाइट का टिकट आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो उसमें आपको हर बार कुछ इजाफा नजर आता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऑनलाइन सर्च करते करते अचानक एयर टिकट के दाम बढ़ने कैसे लगते हैं? क्या आप फ्लाइट के किराए के रॉकेट बनने के पीछे एयरलाइन कंपनियों का ये खेल जानते हैं? शायद नहीं। इसीलिए आज हम एयरलाइन कंपनियों की उड़ान से अपने न्यूज मित्रों को एक्स्ट्रा सावधान करने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको उस टूल किट के बारे में बताएंगे जिससे एयरलाइन कंपनियां किराए के नाम पर आपकी जेब काट रही हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। इस पर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, लेकिन सबसे पहले सुनिए आखिर एयरलाइन कंपनी ये सारा खेल कैसे करती है। तो इसका जवाब है डार्क पैटर्न। किराए से संबंधित एयरलाइन कंपनियों की ओर से जो भी गोलमाल किया जाता है उसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। और इसी डार्क पैटर्न की कुछ ऐसी टूल किट है जिससे ये कंपनियां आपको टिकट के नाम पर ठगती हैं। इसमें सबसे पहले हथियार का नाम है एल्गोरिदम। एयरलाइन कंपनियों का एल्गोरिदम डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे ही किसी फ्लाइट का टिकट बार बार सर्च किया जाता है उसके रेट अचानक से बढ़ा दिए जाते हैं। यानी आपकी जरूरत को जानते ही एयरलाइन कंपनियों का एल्गोरिदम टिकट के दाम अचानक बढ़ाने लगता है। विमान कंपनियों के दूसरा हथियार का नाम है डराओ और बेचो। शायद आपने ये देखा होगा, कई बार फ्लाइट का टिकट सर्च करते वक्त आपको विमान की सभी सीटें फुल दिखने लगती हैं। यानी दिखाया जाता है कि फ्लाइट की सीटें तेजी से खत्म हो रही हैं और टिकट आपको तुरंत खरीदना होगा, नहीं तो मौका निकल जाएगा। लेकिन सच यह है कि फ्लाइट की कई सीट्स खाली होती हैं, लेकिन यात्री डर कर महंगे टिकट खरीद लेते हैं। ये प्रक्रिया भी एयरलाइन कंपनियों के डार्क पैटर्न का ही हिस्सा है। इसके अलावा हवाई यात्रियों को लूटने का तीसरा टूल है ड्रिप प्राइसिंग। इसमें जो किराया दिखता है उससे ज्यादा किराया वसूला जाता है। मतलब जब आप टिकट का पेमेंट कर रहे होते हैं तो अचानक से कुछ चार्ज जोड़ दिए जाते हैं जिसके बारे में आपको पहले नहीं बताया जाता और इससे आपका टिकट महंगा हो जाता है। लेकिन आज हम इस लूट पर अपने सभी न्यूज मित्रों को एक डेमो दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ऑनलाइन सर्च के दौरान ही फ्लाइट के टिकट महंगे होने लगते हैं और ये खेल होता कैसे है। एयरलाइंस कंपनियां जब आप टिकट खरीदने जाते हैं तो तकनीक का उपयोग करके सीधे तौर पर आपकी जेब काटती हैं। दरअसल जो टिकट आप 3000 में खरीदने वाले थे और ऑनलाइन खरीद के लिए एक क्लिक करते हैं और उसके बाद कुछ देर रुक जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि दूसरी वेबसाइट पर जाकर के उस टिकट को ले लें, तो ऐसी स्थिति में जब आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो वो टिकट महंगी हो चुकी होती है, और जबकि जिस वेबसाइट से पहले देखी थी वहां पर भी आपको टिकट के दाम बढ़े हुए नजर आते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरह से ये तकनीक का खेल एयरलाइंस कंपनियां फेयर बढ़ाने के लिए करती हैं, जो अपने मध्यस्थ कंपनियों यानी कि वेबसाइट्स के साथ में मिल करके भी करती हैं और अपनी वेबसाइट्स पर भी करती हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पर मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें मैं एक एयरलाइंस की वेबसाइट खोलता हूं और ये वेबसाइट मैंने खोली और देखिए यहां पर लिख करके आ गया वी यूज कुकीज। तो अगर आप ये कुकीज इस्तेमाल कर लेंगे तो ये वेबसाइट आसानी से जान जाएगी और भविष्य में भी जानती रहेगी कि आखिर आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं। और यहां पर मैंने मुंबई के एक टिकट को बुक करने के लिए क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो फेयर हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। 3825 रुपए जो फ्लाइट है उसका ये फेयर है। मैं दूसरी वेबसाइट्स पर जाता हूँ जो बाद में मैंने खोली हैं और ये देखिए यहाँ पर इसका दाम बढ़ गया है और इसका दाम हो गया है 3899 रुपए। और यहाँ पर जो यहाँ पर मैं फ्लाइट आपको दिखा रहा है 3825 रुपए की,
वो यहाँ पर टाइम भी मैं देख लेता हूँ, ये रात में 12:25 पे है 3825, और यहाँ पर यही फ्लाइट जो है 4,000 रुपए की है। ये थोड़ा थोड़ा फर्क करके इतना बढ़ा दिया जाता है कि टिकटों के दाम दोगुने के करीब तक पहुंच जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विमान कंपनियों की इस ठगी को सच साबित करने वाला हाल ही में एक सर्वे भी आया है, जिसे लोकल सर्कल नाम की एक संस्था ने किया है। इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। जैसे लोकल सर्कल के इस सर्वे में लोगों से पूछा गया, क्या ऑनलाइन सर्च करते करते फ्लाइट के दाम बढ़ने लगते हैं, तो 72% लोगों ने यह माना कि उन्होंने इस तरह का अनुभव कई बार किया है। इस सर्वे में यह भी पूछा गया, क्या सीट खत्म होने का डर दिखाकर टिकट बेचा जाता है। इस सवाल के जवाब में भी 62% लोगों ने माना कि हाँ ऐसा हो चुका है। जबकि इस सर्वे का तीसरा सवाल यह था कि क्या टिकट में अतिरिक्त यानी हिडन चार्ज भी जोड़े जाते हैं, तो इसके जवाब में 40 लोगों ने माना कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन आप सभी न्यूज मित्र इससे कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी रखनी है, इसे लेकर एक्सपर्ट्स को जो कुछ बता रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से आप भी सुनिएगा। आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर की टिकट सर्च कर रहे हैं, जैसे दिल्ली टू बॉम्बे सर्च कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप किसी भी वेबसाइट में जाइए, आपको दिल्ली टू बॉम्बे की एयरफेयर की टिकट्स आपके आगे पीछे नजर आने लगेगी, जहां पर भी एड्स की स्पेस होती है। तो उसका मतलब है कि ये सब इन्फॉर्मेशन कहां से आ रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आ रहा है कुकीज से। तो ये भी हो सकता है कि जो भी फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी वेबसाइट्स करती हैं एयरलाइंस के साइड में, वो लोग कुकीज ट्रैक करते हैं और वो देखते हैं कि आप इस चीज़ को बार बार देख रहे हैं, तो वो प्राइस जैकअप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक डील को इनकॉग्निटो मोड में चेक कर लीजिए। बेसिकली इनकॉग्निटो मोड क्या होता है कि एक वेबसाइट में इनकॉग्निटो मोड होता है, चाहे कोई भी ब्राउजर ले लीजिए, उसमें अगर आप कुछ भी सर्व करेंगे तो आपकी कुकीज या आपकी कुकीज मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस डिवाइस से, कौन सी लोकेशन से, वो किसी के पास नहीं जाएगी। किसी के पास नहीं जाएगी मतलब एडवर्टाइजर्स के पास नहीं जाएगी। कुकी होता है एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पे आके बैठ जाता है, और उससे जब आप सर्च फिर से करते हैं तो सर्च को ये याद रहेगा कि आपने किस जगह का सर्च किया। लेकिन इसका आसान तरीका है, आप कुकीज़ को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं।